हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अभी आई थी एक इंडियन ग्रॉसरी स्टोर पे। गाइस, मुझे कुछ इंडियन सामान लेना था ग्रॉसरी का। बहुत पुराना स्टोर है ये और करीब आई थिंक 30 सालों पहले ये ओपन हुआ था इस एरिया में। तो बहुत अच्छा स्टोर है, एकदम इंडिया वाली फील आती है यहाँ पे जाके, और सारा कुछ सामान मिल जाता है, ए टू जेड। कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो यहाँ ना मिले। तो एकदम जो मोहल्ले के बीच का जो किराना स्टोर होते थे ना, जो बड़े वाले किराना स्टोर इंडिया में होते हैं, वैसा ही है ये। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो बने रहिएगा पूरे व्लॉग में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बट जाने से पहले मास्क लगा लेती हूँ मैं। तो अब मैं रेडी हूँ, अंदर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है ग्रॉसरी स्टोर। तो गाइज, अब मैं इस ग्रॉसरी स्टोर के अंदर आ गई हूँ और देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है ये स्टोर। और यहाँ पे छोटी से छोटी सारी ग्रॉसरी, इंडियन ग्रॉसरी अवेलेबल है, छोटी से छोटी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप हर चीज़ में इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, आपको जो चाहिए आप वो यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से दिखता है ये स्टोर। और यहाँ पर हाँ देखिए, फ्रेशली मिठाइयाँ एवरी डे बन के आती हैं और दिन भर में सब बिक जाता है। और पनीर वगैरह भी मिलता है यहाँ पे, और इंडियन आइसक्रीम जैसे कि कुल्फ़ी वगैरह है वो, और वो यहीं से बन के आता है। और बहुत सारा सामान जो है वो इंडिया से आता है, एक्सपोर्ट होके आता है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ इस दुकान में अवेलेबल है। इस शॉप के जो ओनर हैं, अगर मुझे अभी उनसे बात करने का मौका मिला, क्योंकि कई सारे कस्टमर्स उनके आते रहते हैं बीच बीच में, तो अगर मुझे मौका मिला तो आपको भी ज़रूर मैं उनसे मिलवाऊँगी। तो बनी रहिएगा पूरे व्लॉग में। तो ये ग्रॉसरी स्टोर जिस एरिया में है, यहाँ पे और भी कई सारे इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, लेकिन ये स्टोर सबसे पुराना है इस एरिया का। मैं अपनी भी साथ में शॉपिंग कर लेती हूँ, मुझे चाय पत्ती लेनी है। देखिए यहाँ पे हर टाइप की चाय पत्ती अवेलेबल है, रेड लेबल है और टाटा टी भी है, ताजमहल भी है और बाग बकरी भी है। देखिए ताजमहल मैं यही वाला लेती हूँ। और इधर थोड़ा सा वो पूजा में जो दिए और भगवान के जो फोटोज़ वगैरह होते हैं वो सब है, अगरबत्ती वगैरह। ये मखाने मुझे ये भी लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब सॉस वगैरह का सेक्शन है, सब तरीके का मैगी सॉस भी रखा हुआ है, रेड चिली सॉस, हॉट चिली सॉस और अचार वगैरह है इधर सारे। और इधर स्पाइसेस हैं, मसाले हैं। देखिए यहाँ पे रू अफ़ज़ा में मिलता है और सभी तरह के मसाले रखे हुए हैं यहाँ पे, कोई भी किसी भी तरीके का मसाला चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए पोहा, मीडियम पोहा, थिन पोहा, सब तरह की पोहा भी अवेलेबल है। ये घी का सेक्शन है, ऊपर चने रखे हैं और ये देखिए बड़ी पंजाबी वड़ियाँ भी अवेलेबल हैं। घी है, बहुत तरीके का घी आता है यहाँ पे, यहाँ का भी बना हुआ, न्यूजीलैंड से भी काफ़ी कुछ घी आता है और इंडिया से भी एक्सपोर्ट होके आता है। उसके अलावा यहाँ पे जो इंडियन बर्तन हम लोग यूज़ करते हैं ना, स्पेशली जैसे प्रेशर कुकर हो गया या कढ़ाई हो गई, वो भी है। और ये फ्रोज़न सेक्शन है जिसमें कि इन्होंने फ्रोज़न इंडिया से जो समोसे वगैरह आते हैं और फ्रोज़न पराठे, बहुत सारी चीज़ें, ये टाटा सॉल्ट। और ये अब मैं जा रही हूँ थोड़ा राइस के सेक्शन में, सब तरीके का राइस अवेलेबल है। ये भी देखिए यहाँ पे जो इंडियन हम लोग बर्तन यूज़ करते हैं ना, स्पेशली प्रेशर कुकर के, कितनी सारी वैरायटी अवेलेबल है इनके पास। और ये देखिए ये हर टाइप का राइस रखा हुआ है, हर वैरायटी है, ताज है, इंडिया गेट है और दावत रखी हुई है, ताज किंग है, ये बहुत सारे तरीके का राइस रखा हुआ है, ब्राउन राइस भी अवेलेबल है। और देखिए गाइस यहाँ पे ये हवन में जो हम लोग लकड़ियाँ यूज़ करते हैं वो भी अवेलेबल है, ये जो रोलिंग पिन है, और इंडियन मैगी, हाजमोला, हर टाइप का हाजमोला है। और देखिए पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स, फेस वॉश और फेस क्रीम सब कुछ है। और यहाँ पे ये वाला सेक्शन बिस्किट्स वगैरह का, ये देखिए ये पूजन सामग्री, ए टू जेड सारी पूजन सामग्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और
और सिर्फ इंडियन ग्रॉसरी ही नहीं, यहाँ पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये सारे भी ग्रॉसरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अंकल चिप्स भी है, अंकल चिप्स एंड कुरकुरे मैं ले जाती हूँ, ये कुरकुरे के पैकेट। जब भी मैं इस साइड आती हूँ ना, तो ज़रूर से ये शॉप विज़िट करती हूँ। मेरे पास जो भी ग्रॉसरी नहीं होती है मैं यहाँ से लेके जाती हूँ, क्योंकि और कहीं आपको कोई चीज़ ना मिले बट यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। ये वाला सेक्शन देखिए, इंडियन ड्रिंक जो फ्रूटी है, बादाम मिल्क है और कोका कोला वगैरह भी रखा हुआ है यहाँ पे। और ये सब अचार जो यहाँ पे मिलते हैं, सब तरह के अचार अवेलेबल हैं। और ये गाइस देखिए, लिज्जत पापड़। और इसके बाद सब तरह के मसाले आपको अवेलेबल होंगे, राजमा मसाला, मसाला मैगी मसाला, सारी तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं अंकल की शॉप पे। और ये वन ऑफ दी ओल्डेस्ट ग्रॉसरी स्टोर है, इंडियन ग्रॉसरी स्टोर सिडनी का। सारी तरह के घी और ऑयल भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी एकदम इंडियन ब्रांड। इंडिया से सामान आता है तो आपको हो सकता है थोड़ा महंगा लगे, देखिए कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सब कुछ। तो मेरी भी सारी शॉपिंग हो गई है, देखिए इतना सारा सामान मैंने लिया है और यहाँ पे मेरे ही सामानों की बिलिंग हो रही है। तो चलिए, अगर एक बार सब बिल हो जाए, सब काम हो जाए, फिर मैं आपको यहाँ के ओनर से मिलवाती हूँ। तो मैंने क्या क्या लिया है देखिए, मोतीचूर का लड्डू लिया है, अंकल चिप्स है, बॉनबॉन बिस्किट है, ये तेज़पत्ता है, कुछ मखाने हैं, साथ में मसाला मैगी मसाला है, राइस लिया है, स्प्राइट की एक बॉटल है छोटी सी, और पोहा लिया है। और भी कुछ सामान है जो कि वो बिल हो चुका है, तो बस इतना ही बचा है बिल करने के लिए। तो गाइज, अब मैं आपको इस शॉप के ओनर से मिलवाती हूँ, शर्मा अंकल से। और बहुत अच्छे हैं, और यहाँ आके इनके स्टोर पे सब कुछ वो मिलता है जो, तो बड़ी इंडिया वाली फीलिंग आती है। और देखिए, ये है अंकल शर्मा अंकल। अंकल कितने साल पुरानी हो गई ये दुकान? दुकान को तो 32 years हो गए। 32 years पुरानी ये शॉप है गाइस। तो अंकल, आप इंडिया विजिट करते हैं अभी भी? दुकान फिर बंद करनी पड़ती होगी ना? इंडिया तो 3 साल पहले गया था, आप तो घर जा ही नहीं सकते। हाँ, 3 साल पहले गए थे। मैं तो 67 में आया था यहाँ पे, कोबरा में, अभी भी यही हूँ। 67 में आए थे अंकल? 67 में आए थे। और ये कोगरा की सबसे फर्स्ट ग्रॉसरी स्टोर होगी अंकल, उस टाइम की आई थिंक? हाँ, उस टाइम तो मेरी होती थी दुकान। सो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रॉसरी स्टोर्स में से एक है। तो अंकल के साथ अंकल की वाइफ भी यहाँ पे सब स्टोर मैनेज करती है। अभी अंकल किसी का बिल करा रहे, करा ले, तो अभी वो नहीं है, नहीं तो मैं आंटी से भी आपको मिलवाती। आंटी भी बहुत फ्रेंडली है, और यहाँ आके आपको इंडिया के जो जितने भी जो सारी ग्रॉसरी हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। और अभी मैं मिलवाती हूँ आपको। तो अंकल, आपने जब यहाँ शुरू किया था तो उस समय क्या इंडियंस कम्युनिटी थी यहाँ पे? नहीं, उन दिनों तो वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी थी। अच्छा अच्छा। तो मेरा फादर डिप्लोमेट था, तो हम तब आए थे यहाँ 67 में। अच्छा, अंकल के जो फादर थे वो डिप्लोमेट थे, तब ये लोग आए थे 67 में। तब तो वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी थी, कहते थे इटली से स्ट्रीट क्लीनर आ सकता, मगर इंडिया से डॉक्टर नहीं आ सकता। अच्छा, ओके। तो बड़ा हार्ड हुआ होगा उस समय खोलना। 72 के बाद सब चेंज हुआ था, जब लेबर गवर्नमेंट आ गई थी। अच्छा अच्छा, जब लेबर गवर्नमेंट आई तो सब चेंज हुआ, नहीं तो वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी थी। ओके, तो आपका फिर उस समय बिक्री होती थी अंकल? कोई आता था सामान वगैरह लेने? नहीं, उन दिनों तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ काम करता था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। आई वर्क विद द बॉन्ड कंपनी फॉर 14 इयर्स। वो मिंटो शिफ्ट हो गया, देन आफ्टर दैट आई ओपन द शॉप। ओके 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 अंकल, थैंक यू सो मच। और तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।